मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स ये वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको आप प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद ये नोटिफिकेशन बटन के लिए ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लड्डू गोपाल जी का ये देखिए बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर मुकुट बनाना बता रही हूँ। इसमें मैंने ओरिजिनल मोर पंख लगाया है, तो ये देखिए काफी सुंदर लग रहा है। इसकी जो मैचिंग की ड्रेस है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताई है, तो ये देखिए ओरिजिनल मोर पंख से मैंने इसको डेकोरेट किया है। ये बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी है। ये देखिए इस ड्रेस की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि मैंने इसको शेषनाग का लुक देने की कोशिश की है, तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लगने लग गया है। यहाँ पे मैंने ओरिजिनल मोरपंख को डेकोरेट किया है, तो ये बहुत ही ड्रेस जो है हैवी लुक की है और ये जन्माष्टमी में आप बहुत ही आराम से बहुत ही इजीली पहना सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं लगा है, वेरी इजी टू मेक है ये। तो फ्रेंड्स, इस बार प्लीज़ आप ये ड्रेस बनाइए, अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाइए इस जन्माष्टमी पे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो का लिंक चाहिए तो इस ड्रेस की वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी और आपको ऊपर जो है स्क्रीन पे आई बॉक्स में अभी दिख रहा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मैं आपको इस तरह की सुंदर सुंदर ड्रेसेस जो है बनाना बताती रहूँ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस का कलेक्शन दिखाना चाहती हूँ। ये जो ड्रेसेस हैं मैं सेल आउट भी करती हूँ, होलसेल में भी और रिटेल में भी। ये देखिए यहाँ पे ये जो है मोरपंखी वाली ड्रेस है, जैसे कि ये मुकुट है, तो इस तरह से मैं सारी ड्रेसेस जो है सेल आउट करती हूँ। इसका जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दिया जा रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। अगर आपको ये ड्रेसेस खरीदनी है तो आप ले सकते हैं, वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी हूँ, इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप ये देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर डिफरेंट ड्रेसेस हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कैप है, ड्रेस है, बीड्स वाली भी है, विदाउट बीड्स भी है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के शूज भी बनाए हुए हैं, ये देखिए कितने प्यारे शूज हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये जंप सूट भी बनाती हूँ, ये देखिए जंप सूट है यहाँ पे। ये यहाँ पे देखिए पोंचू भी बनाया हुआ है, ये देखिए ये जो है यहाँ पे नाइट सूट है, ये एक बिब सूट आ गया है। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये पूरी एक ड्रेस है जिसका इसी का पोंचू था इसके साथ का, ये आप अलग से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए ड्रेसेस, देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेसेस हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ड्रेस फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते जाइए फ्रेंड्स कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। यहाँ पे ये जो है लीफ वाली ड्रेस है, फुल स्लीव्स की ड्रेस है, ये डिफरेंट पैटर्न की है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक ड्रेस है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी कैप आ गई है। फ्रेंड्स, हर तरह की ड्रेस जो है हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कलर में है, आपको जो भी कलर आपको चाहिए, जिस नंबर की ड्रेस आपको चाहिए उस तरह से आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और ड्रेस है, ये इस तरह की अलग कैप आ गई है इसमें, ये बीड्स वाली एक अलग कैप है, देखिए। तो इस तरह से जो भी आपका डिमांड है आप उस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और ऑर्डर आया था मेरे पास 9 इंच और 12 इंच के लिए ड्रेसेस का, जो कि राधा कृष्ण के जोड़े की ड्रेस है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिनमें इन ड्रेसेस को बहुत ही अच्छे से मैंने जो है दिखाया हुआ है, हर ड्रेस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपको वो आप उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, मुकुट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 नंबर की ड्रेस बनाई थी, इसलिए मैं यहाँ पे 3 नंबर का मुकुट बना रही हूँ। बट फ्रेंड्स, आपके
जो लड्डू गोपाल जी का साइज होगा वो अलग साइज होगा, तो इसको मेजरमेंट जो है कैसे करना है वो मैं आपको पहले बताती हूँ कि आप जो भी बुकरम लेंगे उसको आपको लड्डू गोपाल जी के सर पे लगा के देखना है और इस तरह से रखना है और उस हिसाब से आपको ये बुकरम का जो लेंथ है वो काटनी है और उसी हिसाब से हाइट, अगर बड़े लड्डू गोपाल जी होंगे तो लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी और हाइट भी ज्यादा हो जाएगी। ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने करीब 3.5 इंच से थोड़ा सा कम, 3.5 इंच भी लोगे तो चलेगा, यहाँ पे मैंने लेंथ ली है बुकरम की और 1.25 इंच जो है मैंने इसकी हाइट ली है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि 3 नंबर की ड्रेस, अगर आपके छोटे लड्डू गोपाल जी होंगे तो आपको ये लेंथ भी छोटी होगी और हाइट भी छोटी हो जाएगी, तो दोनों चीज जो है कम हो जाएगी और दोनों ही चीज अगर लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो ज्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप नापना नहीं चाहते हैं, अगर आपके पास पुराने लड्डू गोपाल जी का कोई और मुकुट है या फिर कैप है तो आप उससे भी मेजर कर सकते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी आइडिया यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बुकरम ली है, आप बुकरम की जगह गत्ता या कोई और चीज भी ले सकते हैं तो उससे भी आप ये मुकुट जो है बना सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये मैंने बुकरम कट कर ली है, अब इसको हम 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे और ये मिडल वाली जो लाइन है इस तरह से हमें पता चल जाएगा। ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी हमें इस बुकरम को मुकुट की शेप देनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ कर रखा है, तो आप भी इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। और ये अब मैंने इसीलिए मोड़ा है ताकि हम इस तरह से जब मोड़ेंगे तो दोनों साइड से ये सेम तरफ से कट जाए। ये काटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप पहली बार अगर मुकुट बना रहे हैं तो हमेशा लेंथ जो है थोड़ा ज्यादा रखिएगा, क्योंकि अब इस स्टेप पे जो है हम जब इसको मोड़ते हैं इस तरह से तो हम यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम काट लेंगे और अगर आपका छोटा रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे जोड़ना है, मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसको जोड़ दूंगी, आप ग्लू गन की हेल्प से भी जोड़ सकते हैं इसको। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर रही हूं, फैब्रिक ग्लू को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप पर ये अच्छे से सूख जाएगा और ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये देखिए जब मैंने चिपका लिया है तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है बॉटम पार्ट होगा, ये टॉप होगा, टॉप हमारा इसका फ्लैट है। अब इसके बाद हमें इसको ऊपर से कवर करना है, तो यहाँ पे मैंने ये सर्कल शेप में बुकरम काट दी है, ये मैंने इससे बड़ा काटा है, ये इसलिए क्योंकि मैं अभी चिपकाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे इसको चिपकाऊंगी और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कैसे मैं करूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से करने के बाद यहाँ पे लगाया, ये हमें गोल शेप में रखना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको चिपका के, क्योंकि फैब्रिक ग्लू से चिपका रही हूं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ये चिपका के आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके टॉप पे ये लगा दिया है, ये एक्स्ट्रा था, ये आपको दिख रहा होगा अभी एक्स्ट्रा है, ये जो सर्कल है नीचे वाला, इसको अब हम यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं, जो एक्स्ट्रा में कट थे वो मैंने लगा दिए। अब इसको हम यहाँ पे बुकरम से नीचे वाले के साथ अच्छे से अटैच कर देंगे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो ये देखिए मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से मैं लगाऊंगी अच्छे से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए टॉप मैंने अच्छे से कवर कर लिया है, तो इस तरह से ये मुकुट की शेप आ गई है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर जो है राउंड, मतलब सर्कुलर शेप आए, अच्छे से फ्लैट नहीं रहे, इसके लिए मैं यहाँ पे कॉटन लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने कॉटन को थोड़ा सा मोड़ लिया और इस तरह से यहाँ पे लगाऊंगी, तो थोड़ा फ्लफी लुक भी आ जाएगा और थोड़ा सा ये इस तरह से बिल्कुल फ्लैट टॉप नहीं रहेगा। तो ये लगाऊंगी और इसके बाद मैं कपड़े से इसको पूरे को कवर कर लूंगी। यहां पे मुझे शेप देना ये जरूरी है, कपड़े को मैं इसी शेप में काटूंगी। ये कपड़ा जो है मैं कौन सा लूंगी, जो मैंने ड्रेस में बनाया है वही वाला पीकॉक कलर का कपड़ा ही, मैं शनील का कपड़ा जो है यही यूज करूंगी और इससे मैं पूरे मुकुट को जो है कवर कर लूंगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, कॉटन के ऊपर मैंने ये कपड़ा लगाया। पहले मैंने इसको सर्कल शेप में कट किया, बड़ा लिया था सर्कल, जैसे हमने बुकरम बड़ी ली थी ऐसे ही हमने कपड़ा भी जो है सर्कल शेप में बड़ा लिया, उसको ऊपर रखा और फिर वैसे ही मैंने जैसे बुकरम कट करके लगाया था यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा के, और फिर मैंने यहाँ पे नीचे इस तरफ से पेस्ट कर दिया, तो काफी अच्छे से पेस्ट हो गई है। इसके बाद हमें यहाँ पे कवर करना है, तो मैं यहाँ पे ये पतली सी स्ट्रिप लूंगी और मैं इस पे लगा लूंगी, और अगर एक्स्ट्रा स्ट्रिप होगी तो हम नीचे से बाद में कट कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो शेप है ये हमें रखनी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो इस कपड़े में भी ये शेप रखनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा जो मुकुट है ये कवर कर लिया है कपड़े से। यहाँ पे जो फिनिशिंग मैंने यहाँ पे कपड़े को एंड किया है, क्योंकि यहाँ वाली फिनिशिंग जो है हमारी आ जाएगी जब हम इसको एलिमेंट वगैरह से तैयार करेंगे, पूरे मुकुट को जब हम डेकोरेट करेंगे, तो ये जो फिनिशिंग है ये आपको शायद दिख नहीं रही होगी, यहाँ पे दोनों कपड़ों का मतलब जब हम इस तरह से मोड़ते हैं तो यहाँ पे मेरा कपड़ा जो है एंड हुआ था, तो ये फिनिशिंग में चला जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये मोर पंख वाला एलिमेंट जो है हमें तैयार करना है। ये मैंने आपको तैयार करना ड्रेस की वीडियो में भी दिखाया है, और वीडियो का लिंक जो है, ड्रेस की वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, और अभी भी आपको स्क्रीन बॉक्स में ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं। और अभी भी मैं यहाँ पे ये जो मोर पंख है इसको डेकोरेट करना बताऊंगी। तो इसको कैसे डेकोरेट करना है फ्रेंड्स, ये देखिए ये ओरिजिनल मोरपंख मैंने ले लिया है। यहाँ पे ये सिल्वर कलर की नग वाली लेस है, ये आप इससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने ड्रेस में ये लिया है तो आप इसमें भी यही लीजिएगा। और ये डायमंड लेस आती है, ये आप ये भी यूज कर सकते हैं, तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई गोल्डन बोल चेन होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी ये सिल्वर कलर की जो नग वाली लेस है इसको यूज करूंगी, क्योंकि मैंने ड्रेस में भी वही वाला यूज किया है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिल्वर नग के ये सिंगल लड़ जो है निकाल लिए, काट के रखी है। अब मुझे इसको डेकोरेट करना है, वो डेकोरेट मैं आपको दिखाती हूँ। तरह से मैंने इस मोर पंखी को डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने दो सिल्वर कलर के ही नग लगाए हैं और एक पिंक कलर का नग लगा लिया है, जो कि मैंने ड्रेस में भी लगाया था इसलिए मैंने यहाँ पे भी लगाया। अब इसको मैं थोड़ा सा शेप दे दूंगी, तो ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से शेप दे दिया है मैंने अभी से। तो ये हमारा ये एलिमेंट जो है बनके तैयार हो गया। ये मैं अब सूखने दूंगी, क्योंकि फैब्रिक ग्लू जो है थोड़ा सूखने में टाइम लगाती है। जब तक वो मोरपंख सूखता है तब तक हम इसमें मुकुट में अब डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं मुकुट में इस तरह से सिल्वर कलर की जो सिंगल लड़ वाली लेस है वो लगाऊंगी, और इस तरह से लगाऊंगी यहाँ पे, ये पूरे इस तरह बॉर्डरिंग जो है मैं इसकी कर दूंगी, और मैं आपको करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने डेकोरेट कर लिया है यहाँ पे सिंगल लड़ से, ये पूरी जो है बॉर्डरिंग कर ली है इस तरह से मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंगल लड़ से ये दो और लाइनें लगाई है, ये देखिए। यहाँ पे मैंने ये पीछे मिड में छोड़ दिया है, क्योंकि ये हमें आगे पूरे पार्ट में नहीं लगाना है, क्योंकि इस पार्ट पे हम किसी और तरह से डेकोरेट करेंगे, जो हमने एलिमेंट तैयार किया था उससे डेकोरेट करूंगी मैं ये। तो इस तरह से यहाँ पे ये मैंने लगा लिया, और ये काफी अच्छा लुक दे रहा है, काफी हैवी लगने लग गई है पगड़ी हमारी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये जो मैंने एलिमेंट तैयार किया था मोरपंख से, यहाँ पे मैंने पूरा नीचे से कट कर लिया है,
ये पहले इसलिए कट कर नहीं किया है क्योंकि फ्रेंड्स अगर पहले कट कर लेते हैं तो ये सारा जो है ये फेदर्स इसके निकल जाते, इसलिए हमने पहले नग लगाई और उसके बाद मैंने इसको कट किया है। ये ध्यान रखिएगा, पहले मत कट करिएगा। और इसके बाद मैं इसको यहां पे इस तरह से लगाऊंगी, और ये लगाने के बाद मैं मिड में, ये बड़ा पिंक कलर का एक नग है क्योंकि मैंने यहां पे पिंक कलर का ही नग लगाया था, इसलिए मैं यहां पे भी एक पिंक कलर का नग लगाऊंगी। और ये बीचों बीच ये इस तरह से एकदम मिडल में आएगा, पर पहले मुझे ये लगाना है और फिर मैं ये लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूं। ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लगा ली है, ये मैंने ग्लू गन से लगाई थी, ये इसलिए क्योंकि पीछे जो है हमारा, अगर हम फैब्रिक ग्लू से लगाते हैं या कुछ कोई और चीज से लगाते हैं तो यहाँ पे पीछे स्पेस बच जाता, जिसकी वजह से ये मोती जो है, ये नग जो है सही से नहीं लग पाता। इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लू गन से इसको लगाया है, दोनों को मैंने ग्लू गन से लगा लिया है। तो अब ये देखिए, ये पगड़ी जो है, मुकुट काफी सुंदर बन गया है। इसका बैक और ये आगे से फ्रंट बहुत ही सुंदर, बहुत ही हैवी लग रहा है, जैसे कि ड्रेस भी बहुत सुंदर बनी है और ये मुकुट भी बहुत सुंदर बना है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रेस और ये मुकुट दोनों ही कैसे लगे। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।